मैंने सबसे पहले पढ़ाई अपना, मैं हमेशा मतलब कि मेहनत में विश्वास रखता हूँ कि दोनों चीज़ साथ में चलती है, किस्मत भी मेहनत भी। मैं मेहनत में विश्वास ज़्यादा रखता हूँ किस्मत की बजाय, इसलिए मैंने लगभग प्रीबोर्ड्स के टाइम पर मैंने 8-8 घंटे भी पढ़ाई की है। इसके अलावा मैंने 6-6 घंटे मेरा रोज का था, मतलब कि इतना तो पढ़ना ही है, उसी की वजह से आज 98%। करौली का हीरो, जानिए कैसे देवांश ने राजस्थान बोर्ड 10वीं में 98% अंक लाकर सबको चौंका दिया। इस प्रेरणादायक कहानी को मिस न करें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 29 मई की शाम को 10वीं बोर्ड का परिणाम जारी किया और करौली के देवांश सूरोठिया ने 98% अंक लाकर अपने स्कूल का टॉप किया। विशेष बात यह है कि देवांश ने यह सफलता सेल्फ स्टडी के दम पर हासिल की है। उन्होंने अपने स्कूल के टीचर्स, बड़ी बहन और माँ को अपनी सफलता का श्रेय दिया है। देवांश ने बताया कि उसने प्री बोर्ड के समय से ही नियमित 6 घंटे की पढ़ाई की। उसने मेहनत को हमेशा आगे रखा और इसी का नतीजा है कि उसे 98% अंक मिले। देवांश का मानना है कि अगर हम मेहनत करें तो 98% अंक आना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने सभी छात्रों से कहा है कि खुद पर और अपने परिवार पर विश्वास रखें और नियमित पढ़ाई करें। देवांश ने सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई की है और मैथ्स में 100 में से 100 अंक लाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब वह 11वीं और 12वीं में मैथ्स लेकर IIT करने का सपना देख रहे हैं। देवांश का परिवार करौली के एक सामान्य परिवार से आता है। उनके पिता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और राजनीति से जुड़े हैं, जबकि उनकी माँ एक गृहिणी है। देवांश ने आगामी साल में 10वीं बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए एक खास संदेश दिया है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, स्कूल के बाद नियमित पढ़ाई करें और खुद पर भरोसा रखें, आप भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है कहानी करौली के देवांश की, जिसने सेल्फ स्टडी से 98% अंक हासिल कर सबको प्रेरित किया। बने रहें हमारे साथ और जानें ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ। लोकल 18 के लिए करौली से मोहित शर्मा की रिपोर्ट।